यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद हो गए अजीजो आस का अलाइव 8 to 8:30 हो रहा है क्योंकि अगे तो चर्च लगने शुरू होने ने इस करके चर्च की शुरुआत तो पहले असी चाहते हैं कि अलाइव हो जाए थोड़े लिए प्रभु तुहानू बहुत वड्डी बरकत दे और जब तुसी इस अलाइव नू सुनोगे तो मेरी बजुर्गी दे दिनां दे लई दुआ मंगनी प्रभु मैनू से सलामती दे और मैं तुहाडे सन्मुख प्रभु दे वचन लई हाजिर होया करां ये मेरी रिक्वेस्ट है प्रभु तुहानू बहुत वड्डी कृपा दे अजीजो अज दा टॉपिक है दो तरह के मुरदियां दा जी उठना जिन्हों असी प्रकाश की पोथी दे विचों लवांगे और पहला थसलोनीकियां दे विचों लवांगे और फिर असी देखते हाँ कि यीशु मसीह दे सलीब दिते जान तो पहले दे मुरदे जिहड़े ने उन्हां दा भी मैं जिक्र करांगा भावें थोड़ा लंबा है फिर भी अज दो तरह के मुरदियां दा जी उठना होवेगा अलाइव होवेगा प्रभु तुहानू बहुत वड्डी कृपा दे असी जो दुआ करना ये अलाइव साडा चलता रहे और मैनू भी ते तुहानू भी बरकत मिलती रहे आओ असी अज लिखत नू पढ़ते हाँ और ये लिखत है जहूना उसका 11 अध्याय और उसकी असी भी आज तो ही पढ़ना शुरू कर देवे तो बहुत वधिया हो जाएगा। लिखत कहती है उपरंत मार्था ने जां सुनिया कि यीशु आउंदा है ता उसनू मिलन गई पर मरियम घर विच ही बैठी रही। प्रभु बहुत वड्डी कृपा दवे असी देखते हाँ कि दोने पैना परेशान ने भरा उन्हां विचों चला गया है और साडा प्रभु यीशु मसीह जो जमीन अते आसमान का मालिक है वो बैतनिया विच आ चुका है। जद वो बैतनिया विच आ चुका ते दसना चाहुंदा कि जद वो बैतनिया विच आ चुका और मार्था कह रही आ प्रभु जी जे तू इत्थे हुंदा ते साडा भरा ना मरदा पर असी जदों यीशु मसीह नू वेखदे आं ते उसने क्या है 34 आयत विच जहोना 11:34 च उसने क्या है और उस आख्या तुसा उन्हू किथे रखिया है उन्हां उसनू आख्या प्रभु जी आ ते वेख। और जद यीशु लाजर की कबर ते गया ते सब तो बाइबल की छोटी आयत है यीशु रोया और फिर उसने मार्था नू कहा कि तेरा भरा मुरदियां चो जी उठेगा और उसने कहा हां प्रभु क्यामत दे दिनो जी उठेगा। इहदे तो पहला उत्थे कुछ लोगों ने कहा यह जिन्ने अन्ने दियां अखां खोलियां सन इन्ना भी ना कर सकिया जो ये मनुख ना मरदा। यीशु कल्पदा होया फिर कब्र दे उत्ते आया और उसने कहा पत्थर नू हटा दिओ और उहदी भैण
पत्थर नूं हटा नहीं सी रही पर अगों होण वाली क्यामत दा जिक्र कर रही सी। क्यामत दा मतलब है मुरदियां दा जी उठना। एरिया जी जो यीशु मसीह ने कहा क्यामत ते जीवन मैं हां, आखिर वह पत्थर हटा दिता गया। और दसना चाहता 31 आयत, सो उन्हें उस पत्थर नूं हटा दिता ते यीशु ने अखां उतां करके आख्या हे पिता मैं तेरा शुक्र करदा हाँ जो तू मेरी सुनी अते जाणिया जो तू मेरी सदा ही सुनदा है। पर इन्हां लोकां दे कारण जिहड़े इत्थे खड़े हन मेरी सुन पईओ प्रतीत करन जो तू मैनू कल्या। अते कह के उच्ची आवाज नाल उसने लाजर नूं कहा लाजर बाहर आ। और लाजर कब्र दे विच हिलना शुरू हो गया। चार दिन का मुरदा सी, चार दिन का मुरदा कब्र विच हिलना शुरू हो गया। और यीशु ने कहा उहदे बंधन खोल दिओ और उन्हों जान दिओ और वह अपने घर बैतनिया दे विच आ गया। दूसरा नंबर जैरस की बेटी का लगता है और ये मार्कुस 5 दे अंदर है। और यीशु मसीह विश्वास करन वालियां दे नाल तुरिया जांदा है। और जैरस विश्वास करके आया सी और उसने कहा प्रभु जी मेरी बच्ची मरनऊ है, मेरे घर चलो उहदे उत्ते हाथ रखो तां जो जिउंदी रहे। पर यीशु दे जैरस दे जान तो पहले ओ बच्ची मर चुकी है। एक ने अगो कहा जैरस तेरी बेटी मर गई है। यीशु ने कहा मरी नहीं बल्कि सुती हुई है। यीशु मसीह दा मुरदियां नूं इस तरह जिंदा कर देना है जिस तरह सुते हुए बंदे नूं उठा दिता जांदा है। प्रभु तुहानूं बहुत वड्डी कृपा दे। तीसरा मुरदा है नैन नगर दी बेवा दा पुत्र। और ये दो पीड़ां इकट्ठियां हुंदियां ने, एक पीड़ मुरदा चुक के मुरदा उन्हां दे अगे अगे आ रहा है और पिछे पीड़ है। और दूसरे पासों यीशु आ रहा है और उहदे नाल एक ने क्या प्रभु जी एदा कल्ला ही पुत्र सी और उसने क्या इहदी मंजी थले रख दिओ और नाइन नगर दी बेवा दे पुत्र नूं उसने मंजी तो उठा दिता। कब्र खाली रह गई। जैरस दी भी मतलब जिहड़ी बेटी सी ओह भी मुरदियां चों जी उठी और नए नगर दी बेवा दा पुत्र भी मुरदियां चो जी उठ्या। और दोने पीड़ां हैरान हो गईयां जद यीशु ने नए नगर दी बेवा दे पुत्र नूं जिंदा कर दिता। प्रभु तुहानूं बहुत वड्डी बरकत दवे। मैं छेती छेती जा रहा हां क्योंकि अज दा टॉपिक है दो तरह दे मुरदियां दा जी उठना। तो मेरे अजीजो ये थसलोनीकियां है, ये थसलोनीकियां है जिदे विच मैं तुहानू लै के जा रहा। और दूसरा थसलोनीकियां नहीं बल्कि पहला है। और पहले थसलोनीकियां 4 दी 15 तुहाडे सामने 14 रखनी चाहुंदा हां। इत्थे 14 च लिखिया होया है वचन कहिंदा है क्यों जो जे सानू ए प्रतीत हुई
भाई येसु मोया अते फिर जी उठिया ता इसे तरह पर इसे नू भी जेड़े मसीह येसु विच सौंगे हन ओदे नाल जिवालेगा। येसु मुर्दियां चो जी उठिया और थसलोनीकियां दी कलीसिया दे दू कलीसिया नू पौलुस लिख रहा जे ओ मुर्दियां चो जी उठिया है ते जेड़े विश्वास करते हन ओ उन्हां नू भी मुर्दियां विचो जिवाल देवेगा। वचन कहिंदा है 15 असी प्रभु दे वचन दे अनुसार तुहानू ए आखदे हां भाई असी जेड़े जूंदे अते प्रभु दे आउण तक बाकी रहिंदे हां सो उन्हां तों जेड़े सौंगे हन कदे अगेतरे ना होवांगे। 16 आज कहिंदी है इस लई जो प्रभु आप ललकार नाल महादूत दी आवाज परमेश्वर दी तुरी नाल स्वर्ग तो उतरेगा ते जेड़े मसीह विच हो के मोए हन वो पहला जी उठणगे। तद असी जेड़े जूंदे अते बाकी रहिंदे हां असी प्रभु दे मिलनु अचानक बदलों उत्ते उठाए जावांगे अते असी सदा इसे तरह प्रभु दे संग रहांगे। मेरे जी जो प्रभु तुहानू बहुत वड्डी बरकत दवे। ए मुर्दियां दा कदों जी उठना होवेगा? जदों येसु मसीह आसमान दे बदलों उत्ते आवेगा और ओ अपने लोकां नूं मुर्दियां विचों जिउंदा कर देवेगा और ए मुर्दियां दे लई दूसरी क्यामत होवेगी क्योंकि पहली क्यामत मत्ती 27:50 दे विच उन्हें जदों जान दे दित्ती ते धरती कंपी चट्टानां तिड़कियां और सुत्ते हुए संतां दियां कबरां खुल गईयां। ओ भी मुर्दियां दे विचों पुराने नेम दे लोक मुर्दियां दे विचों जी उठे। येसु दे जदों धरती दे उत्ते सी 3 मुर्दे उसने जूंदे कीते ओ वक्खरे ने और मैं इसे करके टॉप लिया है 2 प्रकार दे मुर्दियां दा जी उठना। तो मेरे अजीजो ए उदों जी उठणगे जदों साडा प्रभु आसमान दे बदलां उत्ते आवेगा और ओ हुण इन्हां दिनां विच आउण ही वाला है। प्रभु बहुत वड्डी कृपा दवे ते असीं देखदे हां कि उसने यूहन्ना 14 पहली आयत विच कहा होया तुहाडा दिल ना घबरावे परमेश्वर उत्ते निश्चा करो और मेरे उत्ते भी निश्चा करो। मेरे पिता दे घर विच बहुत सारे निवास हन, ना हुंदे ते मैं तुहानू कह देंदा। मैं जानदा हां और तुहाडे लई जगह तैयार करदा हां और मैं आवांगा ते तुहानू अपने नाल लै जावांगा। यही है मुर्दियां दे जी उठण दी गवाही। प्रभु बहुत वड्डी बरकत दवे। पर असी छेती नाल उत्थे चलांगे किथे? मुर्दियां दे जी उठन दा जिक्र करदी है। आओ असी उधर वल नू चलदे हां प्रकाश दी पोथी वल नू। प्रभु बहुत वड्डी कृपा दवे। प्रकाश दी पोथी बहुत ही वधिया। प्रकाश दी पोथी दे 20 अध्याय विच जा रहे हां। इहदे विच 1000 साले राज लई मुर्दे वखरे जी उठते ने और सारी दुनिया दे मुर्दे वखरे जी उठते ने,
पताल दे मुर्दे वक्रे जी उठते ने और जेडे पानी विच डुब के मर गए ने वह वक्रे जी उठते ने। इसलिए प्रभु तुहानू बहुत वड्डी कृपा दवे अजी जो आओ मैं तुहानू प्रकाश की पोथी भी अध्याय दे अंदर लैके जांदा हां। वी दियां पहलियां आयतां पढ़दा हाँ और इस करके के ओ शैतान जकड़िया जा रहा है। लिखा है वी दी पहली आयत, मैं एक दूत नूं अथाह कुंड दी कुंजी अते एक वड्डा संगल अपने हाथ विच लई आकाशों उत्तर दे वेख्या अते उसने अजगर नूं अर्थात उस पुराने सप नूं जिहड़ा बलीस अते शैतान है फड़िया अते हजार वरे तीक उन्हों जकड़ रख्या अते उन्हों अथाह कुंड विच सुट दिता अते उन्हों मूंद के उहदे उत्ते मोहर लाई पाई ओ कौमां नूं फिर ना परमावे जिन्ना चिर हजार वरा पूरा ना हो लवे। इहदे मगरों जरूर है कि ओ थोड़े चिर ले छड्या जावे। ए टॉपिक वखरा है थोड़े चिर ले छड्या जावे, पर मैं तुहाडे लई दो प्रकार के मुरदिया के जी उठन के टॉपिक ते हाँ मेरे अजी। सो प्रभु तुहानू बहुत वड्डी बरकत दवे। इत्थे प्रकाश वी दी जिहड़ी चौथी आयत है ये बहुत ही अगे है, मैं इनू पढ़ना चाहुंदा हाँ। ते लिखत कहिंदी है उन्हां लोकां लई जिन्हां मूर्ति दी पूजा नहीं कीती सी अते ओ दाग अपने मत्थे अते अपने हाथ उत्ते नहीं लवाया सी ओ जी उठे अते हजार वरे मसीह दे नाल राज करदे रहे। ए हजार वरा बड़ा एक मुबारक समा है धरती दे उत्ते जदों राज मसीहा दा होवेगा और मसीहा दे राज दे बारे मैं तुहानू फिर भी दसांगा जरूर, पर ये बड़ा मुबारक है। जद मसीहा इस धरती दे उत्ते हजार साल राज करदा होवेगा ते आओ असी जशाया नूं पुछ लईए जदों मुरदे भी जी उठे होणगे जिहड़े हजार वरे तीक प्रभु दे नाल राज करदे होणगे उन्हां दे बारे भी पुछिया दस रहा। आओ जशाया नूं पुछते हाँ कि ओह हजार वरे विच की होवेगा जिहदे बारे असी जशाया 11:6 च चले हाँ। बहुत अच्छा है जद प्रभु तुहानू बरक देवेगा। वचन कहिंदा है धर्म ओदी कमर दा पटका होवेगा, ये 5वीं आयत है, अते वफादारी ओदे लक दी पेटी होवेगी। बग्याड़ लेले नाल रहेगा अते चीता मेमने नाल बैठेगा, वच्छा जवान छेर अते पालतू पशु इकट्ठे रहेंगे। और लिखा है एक छोटा मुंडा उन्हां नूं लई फिरेगा, गां ते रिछनी इकट्ठियां ही चरनगियां। और लिखत कहिंदी है गां ते रिछनी चरनगियां ते उन्हां दे बच्चे इकट्ठे बैठणगे। बब्बर शेर बौद वांगू भूख आवेगा। बब्बर शेर हुण दौड़ दौड़ के जंगलां विच्चों भेड़ां बकरियां जां होर जानवर नहीं खावेगा,
ਉਪੂ ਖਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਯੇਸੂ ਦਾ 1000 ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। 8ਵੀਂ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦਾ ਬੱਚਾ ਸੱਪ ਦੀ ਖੁੱਡ ਉੱਤੇ ਖੇਡੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁੱਧੋਂ ਛਡਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਨਾਗ ਦੀ ਵਰਮੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ 9ਵੀਂ ਆਇਤ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਬਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾ ਸੱਟ ਲਾਉਣਗੇ ਨਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਟੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ 1000 ਵਰੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦੇ ਜੀ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਥਸਲੋ ਨੀਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ। ਪਰ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 20 ਦੀ 11 ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਟੌਪਿਕ ਹੈ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਅਜੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੱਸ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ, ਇਹ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁਰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵੱਡੇ ਕੀ ਛੋਟੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੇ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਥੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਖੋਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿਓਂ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਫਰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਕੰਮ ਕਾਰ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਕੋਈ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਮੈਂ 13 ਆਇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਉਹ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਲਿਖਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਲ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦਾ ਨਿਉਂ
ओदियां करनियां दे अनुसार कीता गया। पताल ने ओ मुर्दे, काल ते पताल ने ओ मुर्दे जेड़े ओदे वेच सन मोड़ दिते, समुद्र ने मोड़ दिते, काल पताल ने मोड़ दिते, ओ सारे मुर्दे खड़े हो गए, उन्हां दियां करनियां दे अनुसार न्याय कीता गया। ता काल ते पताल अग दी झील विच सुट्टे गए, ए दूजी मौत है, अर्थात अग दी झील। अते जे कोई जीवन दी पोथी विच लिखा होया ना लब्भा ता ओ अग दी झील विच सुट्टिया गया। मेरे अजीजो, असानू प्रार्थना विच जाना चाहिदा है ते सानू अपने प्रभु दे सामने झुक के रो के अपने कम्मा तो तौबा करनी चाहिदी है। हे प्रभु, मैं किधर भजांगा जद एडा वड्डा जाल प्रकाश 20:11 दे अंदर है, मैं किथे दौड़ सकांगा। इस करके अजीजो, आओ प्रार्थना करिए और इन्हां मुर्दियां दी परख करिए कि केड़े मुर्दे ने जेड़े यीशु मसीह दे सामने उदे आउन दे उत्ते जी उठणगे ओ मुबारक ने। जेड़े हजार साले रास ले मुर्दे जी उठे ओ मुबारक ने। जेड़ा लाजर जहोना 11 च जी उठा ओ मुबारक है। ओ बेटी मुबारक है, जायरस दी बेटी जिदा हाथ फड़ के यीशु मसीह ने कहा तलिथा कुम्मी, अर्थात ही लड़की उठ। और मुबारक नाई नगर दा बेवा दा पुत्र जिदा कबर विच रख्या जान लग्या सी, पर यीशु ने कबर विच रखन तो पहला ही उसनू मुर्दियां विचो जिंदा कर दिता। आओ दुआ करांगे। प्रभु तुहानू बहुत वड्डी कृपा दवे, मेरे लिए जरूर दुआ करनी। खुदा तुहानू कृपा दवे। प्यारे खुदावन यीशु मसीह, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। ओ मेरे प्रभु जी, मैं तेरे बच्चों लिए दुआ करदा। प्यारे खुदावन, खुदा अपनी बुजुर्गी दे दिनां विच प्रभु मेरे जीवन ते विजय कर दे। प्रभु यीशु मसीहा, मेरी जिंदगी नू छू दे प्रभु यीशु मसीहा, मेरियां मांदगियां दूर कर दे यीशु राजा। तेरा धन्यवाद होवे प्रभु, तेरे बच्चों नू बरकत मिले प्रभु जी, अलाइव सुन वालियां ते तेरी कृपा वाला हाथ रहे और तेरा हाथ कदे उन्हां तो वखरा ना होवे। प्रभु यीशु मसीह, तू बहुत वड्डी कृपा कर दे, तेरा शुक्र होवे, धन्यवाद होवे, रहम कर दे, कृपा दे। दुआ यीशु मसीह के नाम विच मांगते हैं, आमीन।